तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज का जो क्लास है, इस क्लास में मैं 7.2 का प्रश्नावली प्रश्न संख्या 27 को बताने वाला हूं। बाकी इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पिछला वीडियो भी मिल जाएगा और जो मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 27 प्रश्न है क्या कहता है। 27 प्रश्न भी समाकलन करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, मानते हैं, यानी देखिए अंदर में साइन 2x है, साइन 2x बराबर मान लेंगे तो साइन 2x बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित, चलिए प्रतिस्थापित कर दिए मतलब कि रख दिए, तो जिसको प्रतिस्थापित करते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन कीजिए तो साइन का अवकलन कॉस 2x और 2 है, एंगल में जितना भी अचर संख्या आ जाएगा उतना से अवकलन करते हैं तो उसके में गुना में हो जाता है, यानी कि आ जाएगा गुना में तो 2 हो जाएगा गुना में, dx बराबर इधर हो जाएगा dt। दोस्तों, हमें cos 2x dx का मान चाहिए तो cos 2x dx बराबर dt बटा 2 होगा, इसलिए देखिए sin 2x बराबर क्या रखना है t, तो रूट t हो जाएगा। अब देखिए cos 2x dx, cos 2x dx बराबर dt बटा 2, दोस्तों 1/2 है अचर तो बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए रूट टी, तो रूट का मान हम लोग रख देते हैं 1/2 डी टी। अब आपको पता होगा कि समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ते हैं उतना ही से भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे टी के पावर 3/2, मतलब जुड़िएगा तो 3/2 होगा और उतना ही से भाग कर दिए प्लस में सी। आगे देखिए 1/2 गुणे 2/3, इसको ऊपर जाएंगे तो पलट गया और टी का पावर 3/2 प्लस में सी। दोस्तों, आप ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, तो 2/6 और टी का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन 2x के पावर 3/2 प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, 28 प्रश्न को देखिए, इसमें नीचे वाले मान लेंगे यानी कि 1 + sin x बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर। चलिए तो हम लोग अब इसका अवकलन करते हैं, तो दोस्तों साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो कहिए कि 1 कहाँ गया, अरे सर तो 1 कहाँ गया से आपको पता नहीं है, 1 अचर संख्या है तो अचर संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, समझते नहीं हैं। देखिए तो कॉस एक्स डी एक्स ऊपर में आ गया कॉस एक्स डी एक्स, चलिए इसलिए क्या हो जाएगा 1/2, इतना बराबर हम लोग टी माने हैं तो टी, और कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया है डी टी, तो डी टी। अब आपको पता होगा कि 1/t का समाकलन लॉग टी होता है, यानी लॉग टी प्लस में सी। दोस्तों, लॉग टी का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए यानी 1 + sin x प्लस में सी, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है कि कॉट एक्स, क्या कहता है, कॉट एक्स गुने लॉग साइन एक्स, इसी का समाकलन करना है। दोस्तों, इसी का समाकलन करना है तो देखिए तो क्या हो जाएगा, से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉट एक्स यानी कॉट एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। दोस्तों, हम लोग इसलिए कॉट को प्रतिस्थापित कर रहे हैं क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो लॉग साइन एक्स आ ही जाएगा ना। तो देखिए अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब क्या हो जाएगा, देखिए तो समाकलन के चिन्ह लगा दिए और कॉट एक्स बराबर क्या रखना है टी, तो टी लिख दिए और लॉग साइन डी एक्स, तो लॉग साइन डी एक्स बराबर क्या गया है डी टी। दोस्तों, अब समाकलन करने तो आपको आता ही है कि पावर में एक जोड़ के उतना ही से भाग, तो देखिए टी के पावर यहाँ पे 1 है तो 1 में जोड़ेंगे 1 तो 2 और उतना ही से भाग प्लस में सी। अब टी का मान रख देंगे तो टी का मान देखिए तो क्या है, से कॉट एक्स, तो कॉट एक्स,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बट नीचे दो है प्लस में सी ए अचर संख्या है, हो तो गया। यानी चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तब तक बोर्ड क्लीन करते हैं। चलिए दोस्तों 30 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 30 में कहता है इसका समाकलन करें। देखिए तो क्या करना है इसको से, यहाँ पर नीचे वाला को हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। तो देखिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा। अब जिसको हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं उसका तो अवकलन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी यानी 1 का अवकलन तो 0 और कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब माइनस भेज देंगे इस साइड तो माइनस भेज देंगे तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए तो साइन एक्स डी एक्स तो साइन एक्स डी एक्स बराबर आ गया माइनस डी टी, इसलिए क्या हो जाएगा 1 बटा, इसके जगह पर हम लोग टी प्रतिस्थापित कर देंगे और साइन एक्स डी एक्स बराबर, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आया है माइनस डी टी आया है। दोस्तों हम लोग माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1 बटा टी डी टी, और देखिए 1 बटा टी का समाकलन क्या होता है लॉग टी, तो माइनस लॉग टी प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब माइनस लॉग टी का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स और प्लस में ध्यान दीजिए प्लस में सी, यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 31 प्रश्न को भी देख लेते हैं। दोस्तों 31 में भी कहता है कि इसका समाकलन ज्ञात करें, तो क्या दिक्कत है भाई, हम लोग मान लेंगे यानी कि प्रतिस्थापित करेंगे 1 प्लस एक्स बराबर, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर, करने पर अब जिसको प्रतिस्थापित करेंगे उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस को भेज देंगे आर एच एस में तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। इसलिए देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी तो 1 बटा इसके जगह पे रख दिए टी, अब पावर है 2 तो पावर 2 कर दिए, अब साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी तो माइनस डी टी लिख देते हैं। देखिए माइनस को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो माइनस बाहर आ गया 1 बटा टी स्क्वायर डी टी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि देखिए तो टी के पावर 2 है, जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस तो आगे है ये है टी के पावर माइनस 2 डी टी। दोस्तों माइनस आगे है तो माइनस, अब देखिए पावर में एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग कर देते हैं, तब पावर में एक जोड़ दहूँ तो माइनस 2 में एक जोड़ बहूँ तब माइनस एक ना होगा जी, तो टी के पावर माइनस 1 बटा माइनस 1 से भाग दे करके प्लस में क्या लिख देना है सी लिख देना है। देखिए माइनस से माइनस ही कट जाएगा तो का बचेगा टी के पावर माइनस 1 प्लस सी। अब टी के इनवर्स न लिख के 1 बटा टी भी लिख सकते हैं प्लस में सी, तो 1 बटा टी का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, अब देखिए प्लस सी है अचर संख्या लिख देते हैं तो अचर संख्या, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए आइए दोस्तों अब हम लोग 32 प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। चलिए दोस्तों क्लास को देख लेते हैं, स्टार्ट तो किए ही है ना,
लिख लेते हैं 32 प्रश्न। देखिए तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, 1/1 प्लस, पहले हम लोग इसको हल करेंगे, तो कॉस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स डी एक्स। आगे देखिए दोस्तों, 1/ नीचे भिन्न का जोड़ बनाइए, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा होगा साइन एक्स डी एक्स। आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से, साइन दोस्तों क्या है, नीचे भाग में पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी यहाँ पे नहीं हम लोग किसी को प्रतिस्थापित कर देते हैं कि जिसका ज़्यादा, यदि हम लोग उसका अवकलन करते हैं तो दूसरा आता है, तो अभी और इसको आगे हल करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है दोस्तों, इसे 1/2 से भाग दे दिए, और देखिए क्या किए, 2 से गुना कर दिए, तो साइन एक्स हो गया और बटा नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दोस्तों देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तब साइन एक्स बचेगा और फिर नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी समान अंक से गुना या भाग करते हैं तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए आगे देखिए तो 1/2 दोस्तों 2 साइन एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये अपना मन से लिखना है। देखिए जब कॉस एक्स माइनस में है या प्लस में है, कट जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी साइन एक्स साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब पूरा के डी एक्स है तो पूरा के डी एक्स और बटा नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब और लिए दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ के बाद देखिए क्या करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स को एक जगह लिखेंगे, चूँकि नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो देखिए क्या करना है, 1/2 तो ये तो बाहर है, अचर संख्या है तो बाहर निकला हुआ है, साइन एक्स और कॉस एक्स को एक जगह लिखेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर में, अब इन दोनों को एक जगह लिख दीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा नीचे देखिए तो क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दोस्तों 1/2, अब देखिए तो अब यहाँ पर लोगों को प्लस का चिन्ह नज़र दिख रहा होगा, आ रहा होगा नज़र, अब क्या करेंगे इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ये टर्म और इस टर्म में अलग अलग भाग देंगे, तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भाग दे दिए डी एक्स अलग अलग। अब दोस्तों आगे देखिए तो 1/2 ये तो कट जाएगा, एक हो जाएगा, चलिए डी एक्स लगा दिए प्लस, अब 1/2 से इसमें भी गुना होगा, अब देखिए क्या यहाँ पे आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए इसका तो समाकलन कर लेंगे, अब इसमें इतना बराबर प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि चूँकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए 1/t, अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा एक्स, चूँकि डी एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स, अब देखिए प्लस है तो प्लस 1/2 आ गया, अब क्या हो जाएगा, हालांकि ये तो होगा नहीं अब, यानी 1/2 होगा दोस्तों, चूँकि डी एक्स का समाकलन एक्स और 1/2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए निचला प्रतिस्थापित कर दिए हैं तो टी नीचे हो जाएगा, चूँकि इतना बराबर टी, अच्छा इसका अवकलन नहीं किए हैं, सॉरी ध्यान दीजिए इसका अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा है कॉस एक्स, और कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, अब पूरा क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, यानी देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स है प्लस में लेकिन यहाँ है माइनस में, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर, माइनस को इस साइड भेज देते हैं, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ जाएगा तो माइनस डी टी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसलिए अब क्या हो जाएगा 1/2 है, अब देखिए डी एक्स का समाकलन एक्स तो गुणे एक्स, प्लस है तो प्लस दे दीजिए 1/2, अब दोस्तों यहाँ पे इस इतना बराबर देखिए टी
यानी टी हो गया नीचे और ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी हम लोग लिख देंगे। देखिए माइनस डी टी हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, ऊपर के ऊपर से गुणा तो एक्स बटा टू हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये माइनस जो है हम लोग यहाँ कर देते हैं तो वन बटा दो और लॉग टी, सॉरी इसका जो समाकलन होगा क्या जाएगा लॉग टी प्लस में क्या सी, तो एक्स बटा टू, एक्स बटा टू माइनस एक बटा टू लॉग, दोस्तों ध्यान दीजिए टी, तो टी का मान क्या रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 33 भी हल कर लेते हैं। देखिए 33 में भी वही है, कुछ नहीं करना, इससे पहले हम लोग हल करेंगे। तो 1 माइनस टेन को बदलेंगे तो टेन बराबर होता है साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स। आगे देखिए दोस्तों नीचे भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव बनाएंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए तो अब क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टा, यह है बड़ा ही बट्टा और ऊपर में 1 है, चलिए डी एक्स है तो डी एक्स लिख दिए। अब आगे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कॉस भाग में है तो ऊपर ले जाएंगे तो गुना में ना हो जाएगा, यानी कॉस एक्स बटा नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसमें भी अब क्या कीजिए, दो से भाग कीजिए और दो से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए दो से हम लोग भाग कर देंगे और दो से गुना कर देंगे तो टू कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए वन बटा दो है तो दो लिख दिए, टू कॉस एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स जोड़ कॉस एक्स, तो जोड़ेंगे तो टू कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखिए माइनस साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स, तो साइन एक्स कट जाएगा फिर तो वही आ जाएगा, नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब डी एक्स है तो डी एक्स लिख देते हैं। दोस्तों अब देखिए क्या करना है, वन बटा टू, वन बटा टू, अब यहाँ से देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर करेंगे, यानी इसको और इसको एक जगह करेंगे, यानी क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा, अब देखिए इसको इसको कर दिए, अब इसे और इसे यानी कि कॉस एक्स और साइन एक्स को, तो प्लस में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे देखिए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोस्तों डी एक्स है तो डी एक्स लगा दिए। आगे देखिए एक बटा दो है ना, एक बटा दो है, आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है, चलिए अब देख लीजिए एक बटा दो है। देखिए दोस्तों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में अलग टर्म है, यहाँ से यहाँ अलग टर्म को भाग देंगे अलग अलग, यानी कि इससे दोनों टर्मों में हम लोग अलग अलग भाग देंगे, ठीक है। चलिए भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, फिर समाकलन के चिन्ह यहाँ भी लगा दिए, अब क्या है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसमें भी डी एक्स लगा देते हैं, चलिए प्लस है, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दोनों में भाग कर दिए अलग अलग। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए वन बटा दो ये तो बाहर है तो बाहर छोड़ दिए, अब ये कट जाएगा एक होगा यानी कि डी एक्स केवल बचेगा, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ बच गया कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स और बटा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इतना इसको प्रतिस्थापित विधि द्वारा यहाँ हल कर देंगे, तो चूंकि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका जब हम लोग अवकलन करते हैं इसको तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन का अवकलन कॉस एक्स हो जाता है और डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन ध्यान देना है कि हमको ऊपर प्लस में लाना है कॉस एक्स साइन एक्स, तो देखिए दोनों में माइनस है
तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अभी माइनस को ही साइड भेज देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। चलिए यहाँ भी हटा देते हैं। इसलिए इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए तो वन बटा टू है ना, चलिए छोड़िए ना, एक बटा दो से गुना कर देते हैं तो इसका समाकलन एक्स हो जाएगा। एक बटा दो चलिए भी बाहर लिखते हैं, डी एक्स का समाकलन एक्स हो गया, डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस में। अब देखिए इतना बराबर क्या मान लिए हैं, टी तो टी हो गया और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया है, माइनस डी टी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस डी टी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बटा दो, अब एक्स प्लस लॉग टी यानी माइनस से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ प्लस ना बल्कि माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो यानी कि वन बटा टी डी टी होगा ना, तो यानी कि वन बटा टी का समाकलन क्या हो जाता है, वन बटा टी का समाकलन क्या होगा, लॉग टी। तो चलिए दोस्तों लॉग टी हम लोग लिख देते हैं और प्लस में सी लिख देते हैं। आगे देखिए यहाँ पर वन बटा दो है तो वन बटा दो इंटू एक्स है तो एक्स लिख देंगे, माइनस माइनस है देखिए लॉग टी है तो लॉग और टी का मान रख देंगे, तो लॉग और टी का मान देखिए तो क्या रखे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए टी का मान रख दिए और प्लस में क्या डाल देते हैं, सी, यानी सी दो से आप गुना भी कर सकते हैं तो गुना कीजिएगा तो एक्स बटा दो माइनस वन बटा दो लॉग लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में सी। तो यही दोस्तों आंसर हो गया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर बहुत ही जल्द हम आने वाले हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।